हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए इसमें वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है। और सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जरूर बताते हैं हम आपको निश्चित रूप से, और रेगुलर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन जरूर प्राप्त करेंगे। उसके लिए मेरा रेफरल कोड जरूर प्रयोग करना है। रेफरल कोड है बच्चे ABSIR10। ABSIR10 कोड रेफरल लगाइए और फटाफट 10% का डिस्काउंट आप लोग पाइए। और अगर अभी तक आप लोग बच्चे अनएकेडमी पर फ्री क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो आज ही फ्री क्लासेस से भी जुड़िए। और फ्री क्लासेस पर जब भी आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर एक पासकोड आपसे ज़रूर रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि एक पासकोड मांगेगा। पासकोड के लिए भी आप लोग यही सेम जो रेफरल कोड है, यानी यही पासकोड आपका बन जाएगा ABSIR10। ये फ्री क्लासेस के लिए भी आप लोग यूज़ कीजिए और अनएकेडमी पर 10% के डिस्काउंट के लिए भी आप लोग 10% डिस्काउंट के लिए भी इसी कोड का प्रयोग करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आप लोग बच्चे सब्सक्रिप्शन करोगे। अनएकेडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट कीजिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए और 10% के डिस्काउंट के साथ में आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए और प्लस क्लासेस से यहाँ पर जुड़ जाइए। एक कोड से, एक सब्सक्रिप्शन से आप उस कैटेगरी का, फॉर एग्जांपल अगर आपने SSC का कैटेगरी का लिया हुआ है तो आप लोग निश्चित रूप से GS भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और सारे एजुकेटर्स का क्लास आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा आज का, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नागपुर, पोर्ट लुइस, भोपाल या TNT? TNT मतलब ट्रिनिडाड एंड टोबेगो। क्या आंसर होना चाहिए? फास्ट आंसर करोगे भाई, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की गई है। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला हुआ है नागपुर में। कहाँ पर हुआ है बच्चे? नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। ठीक है, भोपाल की अगर कभी भी बात करते हो, यहाँ पर भारत भवन स्थित है, यहाँ पर भारत भवन स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। भोपाल अगर पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है तो भाई बेतवा नदी के किनारे है। भोपाल में एक बहुत प्रसिद्ध झील है भोज सागर ताल। भोज सागर ताल जो है ये भी आपके एकदम सागर के आकार की है, तो इसलिए तो सागर ताल भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन हाँ, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा संतरा नगरी, ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी अगर कभी पूछा जाएगा तो ऑरेंज सिटी भी आप लोग बता सकते हो बच्चे नागपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीकली एक पॉपुलर फोक डांस है, किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या असम? फटाफट आंसर कीजिए भाई। फर्स्ट, कीकली फोक डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? फटाफट आंसर करोगे भाई, जल्दी से फर्स्ट। देखो विद्यार्थी, अगर आपके पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का कीकली लोक नृत्य है, बिल्कुल आपका कीकली जो लोक नृत्य है वो आपका पंजाब से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, ये करेक्ट पॉइंट है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाए गिद्दा, गिद्दा भी पंजाब का है। भांगड़ा पूछा जाए तो भांगड़ा भी पंजाब का है। ये जो गिद्दा है, गिद्दा बच्चे महिलाएं करती हैं, जिनका नृत्य है पंजाब की महिलाएं करती हैं, और भांगड़ा पुरुष करते हैं। ठीक है, पांच नदियों की भूमि भी पंजाब है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी क्या है भाई? ईटानगर, ईटानगर कैपिटल है। इसके अलावा अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई डफला पहाड़ी कहाँ है तो आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा डांस कहाँ का है? मुखौटा डांस कभी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हरियाणा की अगर कभी भी बात पूछा जाए लुड्डी डांस, लुड्डी तो आप हरियाणा बताओगे। हरियाणा की अगर हम और बात करते हैं तो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण स्टेट है हरियाणा, और यहाँ पर गुरुग्राम में, कहाँ पर? गुरुग्राम में जो स्थित है वो क्या स्थित है? वोटर पार्क। जो वोटर पार्क है वो आपका गुरुग्राम में स्थित है। असम की बात करेंगे, एक नृत्य है बिहू, यहाँ का नृत्य है।
उसके बाद में सतारिया नृत्य जो है ये भी आपका बच्चे असम का है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि ऊन की बात हुई है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर कीजिए भाई। फर्स्ट, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय बच्चे कहाँ पर स्थित है? देखो भाई, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड अगर पूछा जाएगा तो लुधियाना नहीं है बच्चे, लुधियाना अगर पूछा जाएगा तो आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं भाई यहाँ पर सतलज नदी है। ठीक है, क्लियर है। ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। श्रीनगर आपका ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी सन सिटी दोनों कहते हैं। अगर कभी आपसे सन सिटी पूछा जाए या आपसे ब्लू सिटी पूछा जाए तो आपके दोनों ये जोधपुर ही कहे जाएंगे, और जोधपुर में ही केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। क्लियर हो गई बात। लेह, जो अभी हाल ही में लद्दाख, आपका जो हाल ही में लद्दाख बना है, तो जो लद्दाख है ये लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है भाई, ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी का एक जिला जो है वो लेह है और दूसरा जिला कारगिल है, केवल दो ही जिले हैं यहाँ पर। भाई क्लियर होते चल रहा है सारे लोगों क्वेश्चन? अगर क्लियर हो रहा है हर एक क्वेश्चन तो एक बार यस कर दोगे कमेंट बॉक्स में, फास्ट एक बार यस कर देंगे सारे विद्यार्थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन द विच रिवर, रेणुका जी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर कीजिए फास्ट। रेणुका जी बांध परियोजना क्या आंसर होना चाहिए? फास्ट आंसर कीजिए विद्यार्थी। रेणुका जी बांध परियोजना अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या आंसर हो जाएगा भाई? गिर नदी। कौन सी हो जाएगी? गिर नदी हो जाएगा। अब यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक हो जाती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक हो जाती है। ठीक है, दूसरी अगर कभी पूछा जाएगा दिल्ली, दिल्ली पूछा जाएगा यमुना नदी के किनारे, मथुरा पूछा जाए तो भी आपका यमुना नदी के किनारे। ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को, क्लियर है। गंगा की बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है। चिनाब की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं सलाल परियोजना चिनाब पर है, अस्किनी अगर पूछा जाएगा ये भी चिनाब पर है। ठीक है भाई, और चिनाब नदी का वैदिक काल में अगर नाम पूछा जाएगा तो अस्किनी है ये वैदिक काल में नाम, सलाल परियोजना पूछा जाए दुलहस्ती परियोजना पूछा जाए। अस्किनी आप कहोगे वैदिक काल में नाम है, अस्किनी परियोजना नहीं है, दुलहस्ती परियोजना है। सलाल बांध, दुलहस्ती बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना, ये दोनों आपकी चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दूसरी बार नरेंद्र मोदी के रूप में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, फटाफट आंसर करो। देखिए 17वीं लोकसभा के लिए मोदी जी दोबारा बने हैं, 17वीं लोकसभा के लिए, इससे पहले 2014 में वो 16वीं लोकसभा के लिए बने थे, 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में फिर से बन गए, ऐसा तीसरी बार हुआ है। कब तीसरी बार? पहली बार हुआ है जब पंडित नेहरू साहब बनते हैं, जब पंडित नेहरू साहब बनते हैं। दूसरा मनमोहन सिंह साहब बनते हैं, कौन? मनमोहन सिंह साहब बनते हैं। तीसरे नंबर पर आपके बनते हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी साहब बनते हैं। तो ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी चीज, ठीक है, ये जो मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के, तो 2001 से लेकर के 2014 तक लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं गुजरात के, और इन्होंने 2014 में एक बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम शुरू किया था रेडियो पर, मन की बात, ये जरूर आपको याद रखें। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ गुलजार, गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, ए एस दिलीप कुमार, या मोहम्मद यूसुफ खान, या कुमुद लाल गांगुली? क्या आंसर होना चाहिए भाई? फास्ट आंसर कीजिए। गुलजार का असली नाम, वास्तविक नाम क्या है?
बिल्कुल भाई, फटाफट आंसर कीजिए विद्यार्थियों। देखो गुलजार अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, गुलजार, गुलजार सरदार संपूर्ण सिंह गुलजार का वास्तविक नाम है। ए एस दिलीप कुमार अगर कभी पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं ए आर रहमान, ए आर रहमान का नाम जानते हैं, इनका नाम दिलीप कुमार है भाई। ठीक है, यूसुफ खान किसका नाम है? यूसुफ खान जो नाम है और जो दिलीप कुमार फिल्म एक्टर हैं उनका वास्तविक नाम बच्चे दिलीप कुमार है। कुमुदलाल गांगुली अगर कभी पूछा जाएगा तो जो अशोक कुमार थे, अशोक कुमार फिल्म एक्टर, उनका नाम बच्चे कुमुदलाल गांगुली था। देखिए चार प्रश्न निकल के आए, ये हो गया गुलजार, ये हो गया रहमान का वास्तविक नाम, ये हो गया दिलीप कुमार का वास्तविक नाम, ये हो गया अशोक कुमार का वास्तविक नाम। क्लियर हुआ भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 मई, 8 जून। फटाफट आंसर करोगे भाई, रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट आंसर करोगे विद्यार्थियों, रेड क्रॉस दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। कौन थे भाई? हेनरी ड्यूनेंट ये संस्थापक थे। और रेड क्रॉस डे मनाया जाता है भाई 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। क्लियर है? अब मई के डेज देखिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, 1 मई बहुत महत्वपूर्ण है, लेबर डे है, 2 मई ट्यूना डे है, 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, उसके बाद में सीधे अगर आओगे तो 12 मई बहुत महत्वपूर्ण है, नर्स डे है, उसके बाद में 15 मई इंटरनेशनल फैमिली डे है, 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चंस बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेट हैज ऑलमोंड एज इट्स स्टेट ट्री? यानी कि बादाम किस राज्य का अपना एक राज्य वृक्ष है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। फटाफट आंसर कीजिए भाई फास्ट। जो बादाम है ये बादाम किस राज्य का वृक्ष है? फटाफट आंसर कीजिए भाई, आलमंड या बादाम, क्या आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों? फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करोगे भाई, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? देखो बादाम के बारे में अगर कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि जो बादाम है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का ये राज्य वृक्ष है। किसका है? जे एंड के का राज्य वृक्ष है, ये आपको याद होना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन हुआ जो कि राज्य था, अब यूटी हो गया। आखिरकार ये राज्य कब बना था? तो 1954 में। इसका संविधान कब बना था, क्योंकि इसका अलग संविधान था? 1957 में। अभी हाल ही में इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे मनोज सिन्हा साहब। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तब आप बताओगे जीसी मुर्मू। ये जीसी मुर्मू जो वर्तमान में सीएजी हैं, पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और इससे जो लद्दाख बना हुआ है कट के, उसके हैं आरके माथुर। लद्दाख के कौन है भाई? आरके माथुर साहब हैं। याद रहेगा हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला है, आलू शोध संस्थान है कुफरी में, 100% LPG कनेक्शन वाला भी राज्य हो गया। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच केमिकल इज यूज इन इलेक्शन एज वोटिंग इंक? आंसर करोगे फर्स्ट, मतदान स्याही के रूप में चुनाव में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फटाफट आंसर कीजिए फर्स्ट। देखो भाई मतदान स्याही के रूप में चुनाव में अगर पूछा जाएगा किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, आंसर होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महमूद गवां वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? महमूद गवां किस वंश का शासक था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बहमनी। क्या आंसर होगा भाई फास्ट? देखो भाई महमूद गवां के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये जो महमूद गवां शासक है ये बच्चे आपका बहमनी साम्राज्य का है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में हसन गंगू करता है। और हसन गंगू किसके समय में करता है?
ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापना होती है। ठीक है भाई, याद रहेगा, क्लियर है। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बीजापुर, तो आदिल शाही वंश पूछा जाएगा, आदिल शाही वंश तो बीजापुर का था, और यूसुफ आदिल शाह जिससे कि गोवा छीना गया था 1510 में, ये भी आपका यहीं का था। गोलकुंडा का वंश अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कुतुब शाही है। ठीक है भाई, अहमदनगर का पूछा जाए तो आप कहोगे निजाम शाही है। निजाम शाही जो है वो अहमदनगर का है, कुतुब शाही गोलकुंडा का है, आदिल शाही बीजापुर का है, और निजाम शाही अहमदनगर का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड पेंशन टू दोज इन जेल ड्यूरिंग द एमरजेंसी। फटाफट आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आपातकाल में अगर कोई व्यक्ति जेल में रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को पेंशन देने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? एमपी, यूपी, केरला, महाराष्ट्र। फटाफट आंसर करोगे, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई? फास्ट जल्दी से आंसर करोगे विद्यार्थियों, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? देखो, आपातकाल के दौरान जेल में रहने वालों को अगर पूछा जाएगा पेंशन देने की जो घोषणा की गई है, वो घोषणा की गई है बच्चे महाराष्ट्र। क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र की बात हो गई तो भाई तमाशा लोक नृत्य याद रखना है, लावड़ी लोक नृत्य याद रखना है, सबसे अधिक चीनी मिलें पूछी जाएं महाराष्ट्र में, सबसे अधिक पक्की सड़कें पूछी जाएं महाराष्ट्र में, ये सब के सब आपके पॉइंट महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट है। केरल से पूछा जाए तो लिंगानुपात में नंबर वन राज्य है, लिंगानुपात में नंबर वन राज्य है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा साक्षरता में, तो साक्षरता में भी आपका नंबर वन राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या में नंबर वन है भाई, लोकसभा सीटें नंबर वन, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें, इन सब में आपका उत्तर प्रदेश नंबर वन है। ठीक है भाई, याद रहेगा। गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंडित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में? फटाफट आंसर कीजिए, गुजरात, यूपी, बिहार या महाराष्ट्र, कहाँ पर स्थित है पंडित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम? देखो, मोतीलाल नेहरू का नाम आया है तो एक चीज जरूर आएगी, 1923 ये ईयर जरूर आएगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया भाई? उत्तर प्रदेश है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, याद रहेगा। अगर पूछा जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो बिहार में पटना में है। कहाँ पर है भाई? पटना में है। ठीक है भाई, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलाव इज द नेम ऑफ, बदलाव किसका नाम रखा गया है? स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करमुक्त भारत, क्या इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर होगा विद्यार्थियों? बदलाव। तो बहुत बढ़िया आसान सा सवाल है, स्वच्छ भारत हो नहीं सकता है। अब बदलाव नाम हो गया है इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इसका नाम क्या है? बेटी आपकी धन लक्ष्मी, मैं लिखे दे रहा हूँ, बेटी आपकी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, और विजयलक्ष्मी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, ये आपका नाम हो गया है अब किसका? ये नाम हो गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ठीक है भाई, याद रहेगा आप लोगों को, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? फटाफट आंसर करोगे, भारत का पहला वायसराय कौन था? देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है इनको तो 1905 में बंगाल का विभाजन इन्होंने किया, सबसे अलोकप्रिय वायसराय। लॉर्ड बेवेल, शिमला समझौता जो होता है, शिमला सम्मेलन 1945 में बेवेल के समय में होता है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आता है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने, अगर पूछा जाएगा इनके बारे में तो ये स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय है और अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद नाम क्या हो जाता है, वायसराय हो जाता है 1858 के एक्ट के बाद से। 1857 के विद्रोह के समय में वायसराय कौन है, तब भी लॉर्ड कैनिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, आंसर कीजिए, क्या आंसर होना चाहिए, सांड, शेर, हाथी या सांप का फन। देखो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर कभी पूछा जाएगा, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन है भाई, महावीर स्वामी है। इतनी बात सबको क्लियर है। और ये जो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, इनका जो सिंबल था, इनका सिंबल है भाई सांप, ठीक। लेकिन जो महावीर स्वामी है इनका सिंबल है बच्चे शेर, हाथी है अजितनाथ का। ठीक है, महावीर स्वामी का शेर, ऋषभनाथ का सांड हो गया, अजितनाथ का हो गया हाथी, और सांप का फन पूछा जाए तो पार्श्वनाथ का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सरपेंट। 23वें तीर्थंकर हैं, उनको ज्ञान मिला था उस सम्मेद शिखर पर। ये पॉइंट आप लोग याद रखो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का बच्चे उच्चतम बिंदु कौन सा है, आंसर कीजिए फर्स्ट। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु कौन सा है, क्या आंसर होना चाहिए। देखो भाई, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु पूछा जाएगा माउंट मैकिनले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका के उच्चतम बिंदु हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका की बात आई है तो आप लोग एक चीज जरूर याद रखोगे, यहीं से एक शब्द जो कांग्रेस वर्ड है वो कांग्रेस शब्द यहीं से लिया गया है, एक पॉइंट ये भी याद रखोगे। और उत्तरी अमेरिका की बात आई है तो इस तरीके से कुछ मैप बनता है, ऊपर का पार्ट ये कनाडा हो जाता है और नीचे का पार्ट ही यूएसए हो जाता है। यहाँ पर फाइव ग्रेट लेक्स भी हैं जिनका नाम है होम्स, क्या नाम है जिनका, होम्स नाम है। ये भी आपको, झीलें हैं ये, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं की थैली कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस पूछा जाए तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी से 17वीं लोकसभा में कितने सदस्य हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, उनके सुपुत्र हैं, वो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और 6 MP हैं इनके, कितने हैं 17वीं लोकसभा में, 6। सार्क के मुख्य निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे, जियाउर रहमान, आइजन हावर या नासिर। देखिए सार्क पूछा जाएगा तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क हो गया। स्थापना कब होती है बच्चे, 1985 में होती है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अगर कंट्री पूछा जाए तो आप लोग याद रखोगे MBBS पीना, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, 8 सदस्य हैं, और जियाउर रहमान इसके मुख्य निर्माता थे। आइजन हावर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो भारत आए थे, आइजन हावर का भी नाम याद रखना है। कितने राज्यों की महिलाएं राज्यपाल हैं, कितने राज्यों की राज्यपाल महिला है ये कह सकते हो। देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ठीक, कौन कौन समझ लोगे। देखो भाई आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्या, द्रौपदी मुर्मू, अनसुईया उइके, नजमा हेपतुल्ला, कितने हो गए, 5। मुख्यमंत्री कितनी महिलाएं हैं, 1। कहाँ की,
वेस्ट बंगाल, कौन? ममता बनर्जी। याद रहेगा। अगला सवाल, UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्रग एंड क्राइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो कहाँ चलती है बच्चे, क्या आंसर होना चाहिए? मिस्ट्रल एक पवन है जो आपकी इटली की हो जाएगी। फ्रांस की कैपिटल अगर कभी पूछा जाए तो बच्चे पेरिस, सीन नदी के किनारे, ठीक है भाई। इटली की हम लोग जानते हैं रोम, टाइबर नदी के किनारे है, पैलेटाइन पहाड़ी पर है, ये आप लोग जरूर याद रखोगे। यूएसए की अगर बात करें, वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? मानव डीएनए बैंक पूछा जाएगा लखनऊ में, और लखनऊ में रेलवे का हेल्थ एटीएम है, रेलवे का हेल्थ एटीएम है। कलकत्ता की बात करेंगे, संस्थापक है जॉब चारनाक, संस्थापक है जॉब चारनाक। मुंबई की बात करते हैं तो भारत का आर्थिक राजधानी है दिल्ली, 69 अमेंडमेंट से NCR बना, तोमरों के द्वारा स्थापित किया गया, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है भाई। तो ये आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से ज़रूर मेरा कहना है कि अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने अनअकैडमी पर नहीं अवेल किया है तो आज ये अवेल करें, रेफरल कोड लगाइए ABSIR10 और 10% का डिस्काउंट पाइए। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर कीजिएगा, सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि कैसा सेशन रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।